हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्रेजी किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चॉकलेट सिरप की रेसिपी। आप कुछ लोग सोचेंगे चॉकलेट सिरप की रेसिपी तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट ये उससे डिफरेंट है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बटरी टेस्ट आता है। तो चलिए हम अपने इन्ग्रीडियंट की तरफ देखते हैं। 2 टेबल स्पून बटर चाहिए, 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस चाहिए, 5 टेबल स पून कोको पाउडर चाहिए। आप शुगर ले लें, शुगर पाउडर ही ले, आप जार में डाल के ग्राइंड कर लें। और हमने मलाई लेनी है, मलाई नहीं है तो अमूल फ्रेश क्रीम ले लें, या हमें 1/2 कप ही लेनी है। और कॉर्नफ्लोर चाहिए वो 2 टेबल स्पून चाहिए, मिल्क हमें 1/2 कप चाहिए, और 1/2 कप आप देख रहे हैं मेरे कप का क्या साइज है, उसी से 1/2 कप चाहिए। और ये हमने एक पैन ले लिया है, उसी में तो बनाएंगे, फिर एक स्ट्रेनर ले लेंगे। स्ट्रेनर क्यों चाहिए, सारे हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को स्ट्रेन कर सकें, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे तो उसको रिमूव कैसे करेंगे। तो ये हमने अपना 5 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर दिया है। अब बारी किसकी आई कॉर्नफ्लोर की, कॉर्नफ्लोर कैसे ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर हमें 2 टेबल स्पून ऐड करना है। कुछ लोग सोचेंगे कि मेहनत ना ज़्यादा करना पड़े, कॉर्नफ्लोर ऐड कर दे, ये हम लोग के अंदर आदत होती है, बट कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ऐड ना करें, नहीं तो वो अजीब सा हो बन जाएगा। इसलिए शुगर हमें 1/2 कप ऐड करनी है। आप 7 टेबल स्पून ले लें, फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने ऐड कर लें। अब हमें अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेना है, और ध्यान से जब आप इसको स्ट्रेन कर रहे होते हैं ना, ये इधर इधर से गिरता बहुत हैगा, तो अच्छे से आप स्ट्रेन कर लें और सारे लम्स को रिमूव कर दें। और ये देखिए हमारा पाउडर सारा स्ट्रेन हो चुका है, अच्छा सा सब तैयार हो चुका है। अब हम इसको बनाने की बारी आई है। टेम्परेचर हमने अभी ऑन नहीं किया है, इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे, और ध्यान रहे मिल्क एक साथ ऐड नहीं करना है। आप इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड कर लें और 1/2 कप बाद में ऐड कर लें। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप स्पून की हेल्प से ट्राई करें इसको मिक्स करने की, बट स्पून से तो हो नहीं, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, इसके लम्स जो हल्के हल्के हो जाते हैं वो रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो आप विस्क की हेल्प से करेंगे तो वो आराम से हो जाएगा। ये देखिए हमारा लिक्विड पूरा तैयार है, ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, इसमें लम्स भी नहीं बचे हैं बिल्कुल भी। अब इसको हम टेम्परेचर इसको ऑन कर देंगे। टेम्परेचर हमको फुल रखना है, जब टेम्परेचर हमको स्टार्टिंग में फुल रखना है, जब 1 बॉइल्ड आ जाएगा तब हमको अपना टेम्परेचर लो करेंगे। ये हमें अपना चलाते रहना है, क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लोर मिला हुआ है, अगर हमने नहीं चलाया तो ये जल सकता है। इसको अब अच्छे से मिक्स करते रहे, चलाते रहे, थोड़ा पेशियंस रखिए, मेहनत लगती है बट बहुत अच्छी क्रीम बनती है। आप खूब अच्छे से मिक्स करते रहें, और ये देखिए थोड़ी देर के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा रिच हो गई है, कितनी ज़्यादा थिक है, कितना प्यारा टेक्सचर है, एकदम स्मूथ है। आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना शाइनी, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी, आप पहले देख लीजिए हमारी क्रीम थिक हो गई है, जब रेडी हो गई है तो उसके बाद ही आपको इसमें मलाई ऐड करनी है। पहले कोई भी मलाई बटर पहले ऐड नहीं होना है। तो ये देखिए हमारी क्रीम तो अब रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें अपनी मलाई ऐड कर देंगे। मलाई जैसे कि मैंने कहा था 1/2 कप ऐड करना है, तो आप 1/2 ही कप ऐड कीजिए मलाई। इसको अच्छे से चला लें, जब आप मलाई डाल रहे हैं या तो आप टेम्परेचर ऑफ कर दें या तो एकदम स्लो कर लें। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, जब आप देख लेंगे मलाई हमारी चॉकलेट में मिक्स हो चुकी है कि उसके बाद ही हमें बटर ऐड करना है। वो अब आई बटर की बारी, बटर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता हैगा। अब सोचिए चॉकलेट में जब बटर ऐड हो जाए तो क्या टेस्टी टेस्ट आएगा, कितना ज़्यादा बटरी टेस्ट आएगा। 2 टेबल स्पून बटर ऐड किया है, और इसको खूब अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा बैटर रेडी है, बट अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। अब इसको थोड़ा हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब ये हमारा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको जार में डाल के एक बार ग्राइंड कर ले, और जो हमारा 1/2 कप मिल्क रखा था वो इसमें ऐड कर देना है। और हमारा ये देखिए चॉकलेट सिरप रेडी है, और आप खुद देख सकते हैं हमारा चॉकलेट सिरप कितना ज़्यादा यमी लग। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंडों को ज़रूर से ज़रूर बना के ज़रा खिलाइएगा, तो आप फ्रेंड्स भी आपके बहुत तारीफ करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, लव यू गाइज।